हमारे साथ सच्चिदानंद उत्तेकर भी हैं. आपकी क्या सलाह होगी और बताइए आप कहाँ पर दाव लगा रहे हैं आज की एक्सपायरी के लिए? जी गुड मॉर्निंग. इनफैक्ट जिस तरीके से अभी लेवल्स डिस्कस हुए यू नो 26,300 एक यू नो कैप लेवल लग रहा है आज के लिए और 26,200 के आसपास जो ऑप्शन पेन लेवल है वहीं पे एक शुरुआत हुई है और अभी तक यू नो थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है. तो आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल स्टांस यही होगा कि यू नो मार्केट में एक रेंज है अराउंड 26,150 से लेकर 26,200 इस रेंज के आसपास ही कहीं तो निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए और उस लिहाज से एक शॉर्ट स्ट्रैडल में यहाँ पर रिकमेंड करूँगा डिप्लॉय करने के लिए बैंक निफ्टी में, जहाँ पर आपको 26,200 का कॉल और पुट दोनों बेचना है. कंबाइंड प्रीमियम है उसका अराउंड 96 के आसपास. 123.30 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंड करूंगा और 35 तक के टारगेट आ सकते हैं इन द लेटर ऑफ ऑफ द डे. चलिए ठीक है, विनोद भाटिया से बात करते हैं, फगवाड़ा से लाइन पर है. विनोद जी क्या ट्रेड लिया है? हाँ जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस फाइन सर. पैसा बन रहा है या नहीं? प्रॉफिट ऐसे ही है, कभी बन जाता है कभी नहीं. चलिए वैसी मार्केट्स की यही रीत होती है. बताइए इंफोसिस आपने खरीदा है किन लेवल्स पर? मैंने 1200 के लिए दो लॉट. 1200 के दो लॉट आज 1178 और एक्सपायरी तक रुकने को तैयार है या फिर पहले निकलने का इरादा? नहीं एक्सपायरी तक रुकूंगा. होल्ड कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी में देखिए मोमेंटम धीरे धीरे करके लौट रहा है क्योंकि करेंसी कमजोर है तो ये एक फेवरेबल ट्रेड बनता है. 1200 के लेवल्स आने की कितनी क्षमता इसमें दिख रही है इस समय सच्चिदानंद बताइए. आई थिंक इन्फोसिस में अभी तक ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया नहीं है. इनफैक्ट बाकी सारे टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ा सा मोमेंटम देखा गया था, बट आई थिंक ओवरऑल रेंज देखे तो 1200-1210 के लेवल्स जा सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में. 1150 का मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा, वही एक बेस है जो अच्छी तरह मेंटेन्ड है. तो आई थिंक यहाँ से वापस एक यू नो पुल बैक आ सकता है अराउंड 1200 तक का. आई थिंक उनको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 1150 के स्टॉप लॉस के साथ. मिड कैप में क्या कोई और दूसरा शेयर आप सुझाएंगे जहाँ पर मोमेंटम भी है और शायद इनके ज्यादा बेहतर रिटर्न्स बनेंगे? आई थिंक ऑफ द लॉट आई थिंक इन्फोसिस में इनको पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए. मिड कैप में भी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अभी फ्रेश में नहीं मिल रहे. ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है इन्फोसिस में. अगर आपका ट्रेड है तो आप बने रहिए, 1200 के ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं. एक कंपनी जिसके नतीजे कल आने वाले हैं अपोलो टायर्स, इस पर आलोक सिंह ने सवाल पूछना है. इनफैक्ट पोजिशन है इनकी. आलोक जी बताइए क्या ट्रेड लिया है? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम. गुड मॉर्निंग सर. अपोलो टायर पे है जी, जिसको मैंने एक लॉट बाय किया हुआ है 295 स्ट्राइक प्राइस का और मेरा बाइंग प्राइस है 8.45. ठीक है. अपोलो टायर्स आपने कहा 295 का कॉल, 8.45 रुपए के आसपास की पोजीशन है ये. क्या सलाह होगी? आज तो ये काउंटर 286 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए नीचे है उस इनके ट्रेड से, क्या किया जाए? आई थिंक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन होगी तो आई थिंक जिस तरीके से अभी भी स्टॉक्स में यू नो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट रही है, एक कंसोलिडेशन का ही माहौल है. इनफैक्ट 280 एक निर्णायक सपोर्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए. अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो काफ़ी गहरा करेक्शन आ सकता है, बट ऊपर के लेवल अगर देखें तो 295 जो उन्होंने यू नो जहाँ पर कॉल पोजिशन ली है वही एक ब्रेकआउट लेवल है. तो अगर यू नो रिजल्ट के वजह से यहाँ पे एक यू नो एक ब्रेकआउट अगर इंस्टेट हो जाता है तो आई थिंक उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है. आई थिंक इनको होल्ड करनी चाहिए पोजिशन 280 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा स्पॉट पे. अगर ये स्पॉट की लेवल ब्रीच हो जाती है आज के सत्र में तो आई थिंक एग्जिट करनी चाहिए. आप जानते हैं कि इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है, पैसे नहीं बने अब तक तो कहाँ बनेंगे? चलिए सच्चिदानंद आपके पास भी कुछ ट्रेड्स हैं? दोनों लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी. यहाँ पर कोल इंडिया जहाँ पर यू नो यहाँ पर एक अच्छा बेस नज़र आया था 265 के आसपास, वहाँ से अच्छा एक रिबाउंड नज़र आ रहा है 282 के आसपास. इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है और आई थिंक यहाँ से यू नो जो पॉजिटिव बायस है वो आई थिंक एक्सटेंड कर सकता है अराउंड 282 लेवल्स के लिए. तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी. 266 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कोल इंडिया पे. और सेकेंड कॉल होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जहाँ पर एक मच्योर कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक ब्रेकआउट होने की संभावना है. 960 का कॉल ऑप्शन में यहाँ पर लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन दूंगा. 25 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है और 50 से 55 तक के टारगेट तो आ सकते हैं एक हफ्ते में. ये ट्रेड्स आप ध्यान में रखें आज के कारोबारी सत्र के.